नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पूरे हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट आ गया, उसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत भी कर रहे हैं, जहां पर बड़ा अपडेट बताते चलें कि पुलिस की अपील पर अब ये फैसला आ सकता है। आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की पुलिस की यह अपील की गई थी। नाबालिग आरोपी के पिता की कोर्ट में आज पेशी होनी है। आरोपी के पिता की कल गिरफ्तारी हुई थी, तो पुलिस की अपील पर कि जो नाबालिग है उसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए, ये पुलिस की तरफ से अपील किया गया था। पुणे हिट एंड रन केस में ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। और आज महाराष्ट्र के पुणे में जो आरोपी के पिता थे, इनकी कल गिरफ्तारी हो गई थी। पिता की आज कोर्ट में पेशी है, नाबालिग आरोपी के पिता की पेशी है। वहीं पर आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की पुलिस की अपील भी है। अब देखते हैं कि पुलिस की अपील पर क्या फैसला आ सकता है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां हिट एंड रन केस था, जहां पर गाड़ी से तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को कुचलते हुए और ये शख्स फरार हो गया था। लेकिन उसके बाद सीसीटीवी कैमरे आने के बाद से आपको बता दें कि इस पर बड़ा एक्शन लिया गया था, और उसके बाद से पुलिस अब नाबालिग के जो पिता थे उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में पेशी है, और पुलिस ने ये दलील दी थी कि जो कार चला रहा था वो नाबालिग नहीं बल्कि बालिग की तरह उसे ट्रीट किया जाए। आप देखते हैं कि हिट एंड रन केस में कोर्ट का फैसला क्या होता है। और एक खबर और है पुणे से, जहां पर हिट एंड रन केस में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पुणे में नहीं कराया कार का रजिस्ट्रेशन। आरोपी के पिता ने बेंगलुरु से कार और पुणे कार का रजिस्ट्रेशन कराया था, पुणे मंगवाई थी। मार्च से बिना रजिस्ट्रेशन की ही गाड़ी चलाने का आरोप बताया जा रहा। आरोपी के पिता पर एक्शन की तैयारी में परिवहन विभाग है। आरोपी और बिल्डर की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आरोपी के पिता ने बेंगलुरु से कार मंगाया था, पुणे में कोई रजिस्ट्रेशन कार का नहीं किया गया था। जो तस्वीर में आपको कार से कुचलते हुए लोग देख रहे हैं हिट एंड रन केस में, इसी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब इसमें जो आरोपी है और जो बिल्डर है, इन सब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवहन विभाग एक्शन ले सकता है। बताते ये भी चले कि रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने का आरोप है बिना रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अभी तक 3 महीने से बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो गाड़ी चलाई जा रही थी। और रईसी के नशे में और दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों की जान ले ली। खबर पुणे से ही है, जिसके बाद उसे महज 15 घंटे में निबंध लिखने और सोशल सर्विस की शर्त पर जमानत दे दी गई। लेकिन इस हादसे में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी रातों रात दुनिया ही उजड़ गई, उनके सपने चूर चूर हो गए। वो है अश्विनी और अनीस का परिवार। देखिए रिपोर्ट। के आगे गुनाह छोटा पड़ गया, अपराध के आगे कानून छोटा पड़ गया, और मौत के आगे जिंदगी छोटी पड़ गई। एक 17 साल के नाबालिग की लापरवाही ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। 2 घरों में मातम पसर गया। पुणे के इस बिल्डर ने अगर अपने नाबालिग लाडले को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया होता, तो रईसी के नशे में चूर होकर 17 साल का नाबालिग साधारण सड़क को रेसिंग ट्रैक न समझता और 2 घरों का चिराग न बुझता। मध्य प्रदेश के दोनों घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दोनों परिवारों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी। दोनों घरों में युवा इंजीनियर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और उनकी कामयाबी पर दोनों परिवारों को नाज था। अश्विनी का पार्थिव शरीर जबलपुर में उनके घर पहुंचा तो परिवार की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परिवार वालों का अपनी बच्चे की मौत के बाद से बुरा हाल है, वो दुखी तो हैं ही, साथ ही पुलिस की कार्रवाई और नाबालिग आरोपी को मिली जमानत से गुस्से में भी हैं। ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीजों की चेकिंग होनी चाहिए। 21 मई को दिल पर पत्थर रखकर परिवार ने अपनी बेटी अश्विनी को अंतिम विदाई दी। साथ ही नाबालिग आरोपी की परवरिश पर भी सवाल उठाए और उसके माता पिता को भी सजा देने की मांग की। सबसे पहले तो माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए, बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हो, और इतना बड़ा हादसा दोबारा ना हो तो कानून ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि
मतलब उसको एक वो मिलना चाहिए कि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। पुणे में हुए इस दर्दनाक हादसे में मध्य प्रदेश के उमारिया के आत्माराम अवधिया के परिवार ने भी अपने घर का चिराग खो दिया है। उनके सहारे को एक नाबालिग की सनक ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए, जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत, मेरे बच्चे के साथ जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए। लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद है, उन्होंने नाबालिग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। 304 के तहत मुकदमा बनता है, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जबकि जमानत दे दिया है और जो आज भी उसका कैंसिल होना चाहिए। वही अब पुलिस और प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन ने जिस पब में नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी उसे सील कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने पब का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और देर रात तक चलने वाले पब और बार पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम भी चलाई है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 10:45 पर उत्तर प्रदेश के बस्ती में रैली करेंगे, फिर दोपहर 12:40 पर श्रावस्ती में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद आज ही शाम 6 बजे दिल्ली के द्वारका में पीएम एक रैली को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और चुनावी सभा करेंगे। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं। एक बार फिर वाराणसी में पीएम ने महिला सुरक्षा के बहाने विपक्ष पर हमला बोला और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के 10 साल पुराने बयान पर तंज कसा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई। देखिए रिपोर्ट। राहुल अखिलेश के खिलाफ पीएम मोदी का प्रहार, महिला सुरक्षा के बहाने पीएम मोदी का वार, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की थपथपाई पीठ। पूरे देश में आखिरी 2 चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसी दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के उस बयान को लेकर भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने लड़के हैं गलती हो जाती है वाली बात कही थी। जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता। ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा,
और असुरक्षा। अब आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 2014 में यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रेप के अपराधियों को मौत की सजा देने से जुड़े एक मामले में कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। अब इसी बयान पर पीएम ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष की सरकारों में महिलाओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से आधी आबादी की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते रहे हैं, लेकिन अब महिला सुरक्षा के बहाने उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद तय है कि सियासी बयानबाजी और तेज होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ जेल में है, लेकिन कल की याचिका खारिज करते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सख्त बातें भी कही और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बात भी कही है। और अब बात स्वाति बालीवाल केस की, जहां पर जांच दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गई है। आरोपी वैभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई में जांच कर रही है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी भी जारी कर दी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल की मालीवाल केस में एंट्री। एलजी ने केजरीवाल की चिट्ठी पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल को किया न्याय दिलाने का भरोसा। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल की इस मामले में एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और कथित हमले पर दुख जताया। फिर स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ऐसी घटना का होना सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनको मिली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों के लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों पर मेरी आलोचना की, लेकिन उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने घटना की पुष्टि की, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही विनय सक्सेना ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव में हार की डर से स्वाति मालीवाल का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो जाता है, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी हो या उनकी राज्यसभा की मेंबर हो, उनकी पिटाई करवा देते हैं, तो कान से खतरा किससे है? जिन्होंने किसी की पिटवाई करवाई वो करने वाले हैं? मैं मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने आज सुबह बताया कि ऐसा ऐसा संजय सिंह ने बयान दिया। संजय सिंह ने तो यह भी बयान दिया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, पर केजरीवाल जी तो उसमें भी चुप है अभी। उधर सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि विभव ने अपना मोबाइल फॉर्मेट खुद ही करने की बात स्वीकारी है, लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है और इसीलिए विभव से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करेगी।
और तमिलनाडु के एक सड़क हादसे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तमिलनाडु के दिक्कुटुक्कल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश की वजह से एक ट्रक ने नियंत्रण अपना खो दिया और वो सीधा सड़क किनारे खड़े स्कूटर से जा टकराया। जिसने भी हादसे का ये वीडियो देखा वो सहम उठा। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेज बारिश की वजह से एक सीधा ट्रक अपना नियंत्रण खोकर वो सीधा सड़क किनारे खड़े स्कूटर से जा टकराया। हालांकि जहां पर स्कूटर से टकराया वो सब्जी की दुकान लग रही है, लेकिन इस समय वहां पर तेज बारिश की वजह से उस वाहन पर वहां पर जो सड़क किनारे खड़ी है वहां पर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गनीमत ये रही, लेकिन जिसने भी यह हादसे का वीडियो देखा वो सहम उठा। और उधर कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। घरों के अंदर बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के कोडागु समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो कहीं तेज बारिश है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, दक्षिण भारत में, तो कहीं आप देखिए राजस्थान जैसे, दिल्ली जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भीषण गर्मी बढ़ रही है। कर्नाटक के कोडागु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश के बाद किस तरह से हालात बिगड़ गए हैं और इस वजह से घरों में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी और ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। और उधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां ग्वालियर में खुलेआम फिल्मी स्टाइल में हवाई फायरिंग करने और उसका वीडियो बनाने वाले बदमाश भोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यही वो शख्स हैं, आप देख सकते हैं मुंह पे गमछा बांधे हुए, मुंह को अपना कवर किए हुए आते हैं और उसके बाद भीड़भाड़ इलाके में उसके बाद लगातार फिल्मी स्टाइल में गोली दागते हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फिल्म स्टाइल में गोली दागते हुए दिन दहाड़े ये बदमाश। और अब बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां पर कुछ हथियारबंद अज्ञात लोगों ने कोयला ले जा रहे ट्रकों पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की और 6 ट्रकों में आग लगा दी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल बताए गए। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये खबर है, हमले में 1 की मौत, 3 लोग घायल। बलूचिस्तान में कोयला ले जा रहे ट्रकों में की गई है तोड़फोड़ और कई ट्रकों में लगाई गई है आग। और अजमेर शहर के लोहागल इलाके में हुई दलित समाज की लड़की की शादी में अनूठी पहल हुई है। लोहागल गांव के कैलाश मेघवाल की 19 साल की बेटी साक्षी की शादी में राजपूत समाज के लोगों ने दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में बिंदौरी निकाली। घोड़ी की लगाम को आम जनमत पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम सिंह बनवाड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सिंह तजवारिया ने पकड़कर गांव में बिंदौरी निकाली। इस सामाजिक समरसता के सैकड़ों लोग साक्षी बने। सोशल मीडिया पर फोटो और पोस्ट सामने आने के बाद इस पहल की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कैसा लगा आपको और क्या संदेश? अंकल जी का सहयोग है, अंकल जी का सहयोग है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा। नाम तो बोल बेटा, बता दिया ना, साक्षी मेघवाल। कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल। कहाँ रहते हैं आप? कभी नगर। ये संदेश से कैलाश जी है, मेघवाल है, मेरा जीज मित्र है, इनकी गुड़िया की शादी है। वो राजपूतों ने आज तक लेके इतिहास पता, हम 36 को साथ लेके चलने वाले हैं। ये मेरा जीज मित्र, इनकी गुड़िया का शादी थे। मैं भाई इस बच्ची की शादी मैं लड़के रूप में करना चाहता था, इसलिए घोड़े बिठा के बच्चे की बिंदौरा निकाली है। मैं मेरी जगह पे इनको बिंदौरा, मतलब जो खाना, जो आपने मारवाड़ी भाषा में जो बिंदौरो वो दे खाना होता है नवदीपा को और बच्चे ने घोड़े बिठार नवदीप में ले रही हूँ। एक संदेश देना चाहूँ मैं।
और इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, इंसानों के साथ साथ भगवान भी गर्मी से बेहाल है। इसीलिए तो भगवान को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में चंदन का लेप लगाया जा रहा है। तो वहीं लोग भी गर्मी से बेहाल है। हालत ये है कि लोग दिन में निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज भी हलकान हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में लगे पंखे भी गर्म हवा उगल रहे हैं। आपको बताते चलें कि उज्जैन में 3 दिनों से लगातार 44 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग की मानी जाए तो अभी ऐसी ही गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। ये गर्मी बहुत भीषण रूप ले चुकी है और ऐसे समय में हमारे यहाँ एक परंपरागत रूप से भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है और यह परंपरा वृंदावन से आती है। वहाँ गोपाल जी ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया था कि मलय पर्वत जाकर चंदन लाएं और उनके शरीर पर लेप करें। और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर में वीवीआईपी की बजाय अब आम मरीजों का इलाज होना शुरू हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने आईडीएच सेंटर को मेडिसिन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल का आईडीएच सेंटर करीब 3 साल पहले 7.5 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में अब तक सिर्फ वीवीआईपी मरीजों का ही इलाज होता था। आलम ये था कि पिछले 3 महीने में महज 1 मरीज का ही यहाँ पर इलाज हुआ, लेकिन अब इस सेंटर को मेडिसिन विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके बाद से अब यहाँ पर आम मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कोई महामारी आ जाए उसके केसेस को सेग्रीगेट करने के लिए बनाया गया था। हमने उसको तुरंत प्रभाव से मेडिसिन डिपार्टमेंट को कहा है और आज से वो फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। वो फैसिलिटी को मेडिसिन डिपार्टमेंट और ट्रॉपिकल मेडिसिन वाले दोनों मिलकर चलाएंगे और उसका पूरा लाभ हर मरीज को मिलेगा। खास बात यह है कि सेंटर में सभी सुविधाएं अत्याधुनिक हैं। 20 बेड के सेंटर में निगेटिव प्रेशर के बेड भी मौजूद हैं, जिसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड आईसीयू, वेंटिलेटर समेत और भी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसएमएस के मेडिसिन विभाग के एचओडी ने बताया कि आम मरीजों के लिए खोले जाने से